हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो बीवी और भैया लोग गए हैं हमारे दुकान बनाने के लिए। तो मैंने बीवी को बोला था कि मुझे भी आना है करके ना, क्योंकि कल दिन भर मैं रूम में बैठी थी और भैया और बीवी लोग गए थे दुकान बनाने। तो ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़ा सा अभी शीट वगैरह बनाना है बोला था, तो मुझे भी आना है बोला, तो बीवी अभी मुझे लेने आ रही है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हमारा दुकान अभी कहां तक पहुंचे हैं। हम दोनों साथ में देखेंगे, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूं, क्योंकि जगह तो मुझे पता है लेकिन जब शीट लगाया था ना वो मैंने नहीं देखा। तो अभी हम साथ में चलते हैं और देखते हैं। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने जल्दी से नहा लिया है और थोड़ा सा मेकअप तो नहीं किया, सनस्क्रीन लगाया और थोड़ा सा ब्लश लगाया, लिपस्टिक और आईलाइनर और मस्कारा वही लगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। गाइस तो देखिए बीबी आ गया और देखो क्या पहना है गले में। तो चलते हैं और देखते हैं दुकान कहाँ तक बने हैं। देखो गले में हार पहना है, सोने का चेन, लोहे का चेन, और मैंने साथ में ये लेकर आया है खट्टा मीठा खाने के लिए। लेट्स गो। दीचा दी देना मगर ना दी दोनी गले में क्या बहना है देखो। पहुंच गया, गाइस तो ये है हमारा दुकान, भैया लोग बना रहे हैं। बहुत धूप है आज, बहुत तेज धूप निकली है, और ऊपर से ना मैं चश्मा लेकर आना भूल गई, क्योंकि ऐसे धूप में ना मुझे ठीक से ऐसे आँख खुल के ना मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो इसलिए चश्मा लेना भूल गई मैं। नहीं तो ना ऐसे बाइक में जाते समय धूप में ना मेरा आँखें पूरा ऐसे छोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा लगता है मुझे। और यूजुअली ना मैं चश्मा पहन के जाती हूँ, लेकिन आज मैं चश्मा भूल गई तो बहुत अजीब सा हुआ। गाइस तो हमको ये वाला जगह है ना बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि ये चौक है ना आईटीआई चौक, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं, आना जाना होता है। चंद्रपुर जाने वाला लोग आते हैं, मार्केट आते हैं, और यहाँ पर पीछे में ना पूरा सर्विस वाला लोग बैठते हैं बोला था, तो इसलिए यहाँ पर दुकान लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगा हमें। और यहाँ पर लेडीज का हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वहाँ पर कॉलेज है, तो पूरा नज़दीक ही है यहाँ पर, है ना, सब कुछ आसपास ही है, तो यहाँ पर दुकान लगाने से बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर देखो अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम बस यही दुकान लगा रहे हैं यहाँ तक। गाइस तो अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, मेरा ब्लड, मैंने ना कुछ दिन पहले ब्लड टेस्ट किया था तो उसका रिपोर्ट आ गया है, और अभी डॉक्टर मैम नहीं आया है तो हम दोपहर के बाद आ जाएंगे मैम से मिलने। तो वापस जा रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा धूप है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 9,
तो जस्ट अभी बीबी और भैया लोग गए हैं दुकान बनाने के लिए और मैं घर में बैठी हूँ। मैंने बीबी को बोला था कि मुझे भी आना है करके ना, लेकिन बीबी बोल रहे हैं कि आज टीना वगैरह थोड़ा कम पड़ रहा है तो वो लेने जा रहे हैं। तो बीबी और भैया लोग टीना वगैरह लेने जाएंगे ना, फिर मैं अकेले कहाँ बैठूँगी। तो इसीलिए एक ही बाइक है हमारे पास, तो इसीलिए बीबी ने कहा कि मैं रूम में रेस्ट करके बैठो करके ना, तो इसलिए। और अभी बीबी और भैया लोग गए हैं तो मैंने सोचा मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं क्योंकि रोज़ बीबी और भैया लोग दुकान बनाने जा रहे हैं और मैं घर में बैठती रहती हूँ, तो वही सेम सेम क्या ही दिखाना। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा डेली व्लॉग बनाऊँ तो क्या ही बनाऊँ रोज़ वही कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं, जैसे तैसे सेम रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन डेली हम क्या कर रहे हैं वही तो दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो अभी फ़िलहाल मैं घर में बैठी हूं और हमने नाश्ता भी कर लिया है, तो बस यही है गाइस। तो जस्ट अभी मैंने वीडियो एडिटिंग किया है और आप मेरे ये ऐसे हालत देख के डर मत जाना क्योंकि मैं ऐसे ही लेट के बैठी थी, तो मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। अभी मैंने वीडियो पूरा एडिटिंग कर लिया आज के लिए और कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो इसलिए। लेकिन मैंने आज वीडियो एडिट किया और आज अपलोड करने के लिए मैंने रखा है। यहाँ पर वाईफाई नहीं है ना, तो अपलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए अभी मैंने अपलोडिंग पे रखा है। और अभी मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही सब्जी बचा था क्योंकि हमने ना कल परसों सब्जी लिया था आलू बैंगन, जो कि मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा बचा है, तो मैंने सोचा आज आलू बैंगन बनाते हैं, फिर मैं थोड़ी देर बाद सब्जी मंडी जाऊँगी सब्जी खरीदने। और अभी बस थोड़ा सा ही है, देखिए आलू और बैंगन बस थोड़ा सा ही है, तो कोई बात नहीं, आज लंच में यही बनाऊंगी मैं, फिर लंच बनाते ही हम जाएंगे बाहर मार्केट। तो या तो अभी लंच बनाते हैं गाइस। तो अब पता नहीं अभी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है यार, जब मैं खाना बना रही थी ना तो हमारे घर का जो नलका का पानी है ना वो ख़त्म हो गया है, और मैं यहाँ पर मोटर ऑन करने आऊँ तो बिना मोटर ऑन किया तो भी यहाँ से आवाज़ नहीं आ रहा मोटर का, पता नहीं अभी मोटर ख़राब हो गया है, पता नहीं पानी नहीं आ रही है। और मैंने अभी बेबी को कॉल किया कि पानी नहीं आ रही है और मोटर भी नहीं चल रही है बोला, तो बेबी बोल रहा है कि थोड़ा वेट करो वो लोग आने वाले हैं तब देख लेंगे बोला था, तो इसलिए अभी मेरा खाना जैसे है वैसे ही रह गया, सिर्फ चावल पक गई है और सब्जी तो कच्चा ही है, जैसे थे वैसे ही है, पानी ख़त्म हो गया यार, क्या करूं दिमाग खराब। अभी मैं सोच रही थी कि लंच बनाते ही मार्केट जाऊं, लेकिन अभी मैंने सोचा नहा धो के जाती हूं, लेकिन पानी ही नहीं है, तो अब क्या करूं। तो जब बेबी आएंगे ना फिर मोटर ठीक करेंगे ना, फिर हम नहा के फिर बेबी हम दोनों साथ में जाएंगे मार्केट सब्जी लेने। बाकी वही है, मेरा चावल तो पक चुका है बिल्कुल, ये गर्म गर्म चावल तो पक गया, लेकिन सब्जी नहीं पका है। ओह नहीं खुल रहा, ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो सब्जी अभी नहीं पका है, तो मैं पानी आने तक वेट करूंगी। और मैंने अभी पीने का पानी है ना मिनरल वाटर थोड़ा सा डाला है सब्जी के अंदर, फिर मैंने धीमे आंच पे रखा है सब्जी को, अभी देखते हैं पानी कब आते हैं, अगर आया तो फिर हमारा सब्जी भी बन जाएंगे, तब तक वेट करना है मुझे या अभी बेबी का वेट करते हैं। दरवाजा बंद कर लेती हूँ यार, हो गया, बाप रे, अभी पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी है मुझे। और किचन के अंदर पता नहीं इतना ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से हमारा देखो घर पूरा सामान से पैक्ड है ना, तो खिड़की भी नहीं है और दरवाज़ा भी पूरा बंद है, तो इसलिए हवा आने जाने का कुछ नहीं है, तो इसलिए पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे किचन में। अच्छा हुआ यहाँ पर पंखा है, नहीं तो पहले यहाँ पर पंखा भी नहीं था, हमने नया लगाया था। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ गाइस। तो अभी बेबी आ गई है और भैया लोग भी आ गए, तो अभी हम लंच करते हैं और बेबी ने मोटर बना दिया है, तो देखिए अभी पानी आ रही है, बहुत अच्छा हुआ। और मेरा
सब्जी भी पक गई है। मैंने जो भी आपको बोला था ना, मैंने मिनरल वाटर डाल के गर्म आंच में मैंने सब्जी को पकाया था, तो वो बिल्कुल पक चुका है, तो इसलिए हमारा सब्जी भी रेडी है। देखिए ये रहा आलू बैंगन मैंने बनाया है, और यहाँ पर बेबी के लिए मैं गर्म चाय बना रही हूँ, क्योंकि बेबी को चाय पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए चाय बना रही हूँ। देखो बेबी आ गया थक गया बेचारा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो इसलिए धूप में काम करके बैठे थे भैया और बेबी लोग, तो बेबी थक गया तो गाइस अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, और बेबी पहले गए हैं, तो बेबी ने लंच कर लिया है। वैसे मैंने लंच नहीं किया क्योंकि मुझे भूख नहीं है, तो बेबी लंच करते ही गए हैं मार्केट मुझे बिना बताए, तो मुझे भी जाना है, तो इसलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट, सब्जी खरीदना है। गाइस तो अभी हम यहाँ पर देखो कर्ची लेने आया है, और चम्मच भी लेना है हमें। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर मैदा खरीदने आई हूँ। और वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा धूप तेज है। तो गाइस अभी हमने सारा सामान ले लिया है, तो अभी रूम वापस जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बहुत तेज़ धूप है, और यहाँ पर देखो बेबी देखो चांद आया बोल रहे हैं ऐसे करते करते जाओ करवा चौथ। और इसके अंदर सब्जी है, मैदा, सब कुछ है। ओके गाइस तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो बेबी और भैया लोग गए हैं दुकान बनाने, तो बेबी मुझे लेने आ रही है, और हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट किया था, तो उसका रिपोर्ट आ चुका है, तो मुझे रिपोर्ट तो मेरे पास ही है, देखिए ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मेरे पास ही है, लेकिन मैंने डॉक्टर के पास नहीं दिखाया था, तो इसीलिए मुझे वो दिखाना है। और मैंने सोचा आज डिनर में ना आलू मोमो बनाऊं, तो आलू मोमो खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन सामान पूरा ले लिया मैंने, बेबी हम दोनों गए थे मार्केट जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन लंच है ना बहुत ज़्यादा बच गए हैं, तो इसलिए आज मैं मोमो नहीं बनाऊंगी, तो कल परसों बना ही लूँगी, तो इसलिए आज मोमो कैंसिल हो गया। तो मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बेबी का वेट कर रही हूँ, तो बेबी आएंगे तब हम जाएंगे हॉस्पिटल। अभी बेबी आ चुका है, देखिए तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो गाइस आ गया हम हॉस्पिटल, ओके गाइस तो अभी हमने दिखा लिया है डॉक्टर मैम से, और मेरा जो ब्लड टेस्ट किया था ना वो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है बोला, ऑल इज वेल बोला तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ, हमारे दुकान है ना यहाँ पास में ही बना रही है, तो वहाँ पर जा रहे हैं हम, और यहाँ पर देखो व्यू कितना सुंदर है, सनसेट होने वाला है, सनसेट।
तो गाइस यहाँ पर देखिए भैया लोग अभी हमारा दुकान बना रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, सिर्फ काउंटर बचा है, बाकी पूरा हो गया है। हाँ मैगी खाएगा, मैगी। हाँ ज्यादा तीखा नहीं चाहिए, हाँ पाउडर थोड़ा सा। गाइस तो मेरा मैगी आ गया है, यमी यमी गरम गरम। ओके गाइस तो अभी हम घर में आ चुके हैं और आते ही हमने नहा भी लिया है और मैंने आज दाल चावल बनाया थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर का सब्जी भी बचा है तो इसलिए थोड़ा सा दाल भी बनाया था। तो ये रहा हमारा दाल। तो अभी डिनर करने वाले हैं हम लोग। ये है हमारा सुनील भाई। डिनर का समय है और देखो बेबी भी नहा लिया है एकदम चकाचक। गाइस तो अभी हमने डिनर कर लिया है और अभी हम बाहर बेबी देखो यंगी समडुप को पॉटी रुकवाने आए हैं। दोनों को पॉटी करना है, पॉटी।